सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में सोमवार को विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान उनकी तस्वीर जो विद्यालय के बच्चों के द्वारा 1955 में बनाया गया उसी तस्वीर पर माल्यार्पण कर और छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ दीप प्रज्वलन के साथ दिन की जयंती मनाई गई। मौके पर प्रधानाध्यापक श्री सिंह ने कहा कि नेताजी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपनी सुख सुविधा सबको त्याग करके देश तो क्या देश से परे विदेशों में भी जाकर आजादी की लड़ाई का संख फूका था। आज हम आजाद है। शिक्षक मुन्ना कुशवाहा ने नेताजी के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि गांधी जी अहिंसा प्रभावशाली तो थे ही, लेकिन नेताजी के स्वाभिमान और सर्वस्व नौछावर ने उस आजादी को जल्दी पूरा किया। मौके पर विद्यालय की शिक्षिका पापिया सरकार, गीता कुमारी, सिन्हा अख्तर अंसारी, पुलिस मरांडे, स्मिता प्रसाद, कृष्ण प्रिया, सपना कुमारी, अमरेश कुमार सहित सैकड़ों छात्राएं उपस्थित थी। निश्चित रूप से जब हम ऐसे महापुरुषों को देखते हैं, उनको याद करते हैं, तो हमारे अंदर, देश के लोगों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर एक अजीब सा भाव पैदा होता है। उस भाव जो हमें अपने लिए छोड़कर उस देश के लिए सोचने को मजबूर करता है। वैसे लोग जिन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं, धन दौलत को छोड़कर देश की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए जी जान लगा दिया, न्यौछावर कर लिया, ऐसे लोगों को याद कर लेना, उनके जीवनी के बारे में बच्चों को बता देना, समझाना, निश्चित रूप से हमारा दायित्व भी बनता और प्रेरणा का स्रोत भी। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश ही नहीं, वो ऐसे दौर में अंग्रेजी शासन में देश के बाहर रहकर भी आज़ादी की जंग के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए जी जान लगा दिया, तो आज विद्यालय परिवार की ओर से उनकी जयंती बहुत अच्छे तो वो हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। साथ में प्रधानाध्यापक महोदय और हम लोगों के द्वारा भी एक सीधा सा संदेश है बच्चों को, लोगों को, हम उन्हें न भूलें जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, चाहे वो व्यक्ति परिवार का हो, समाज का हो या देश का। आज विद्यालय परिवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है और निश्चित रूप से नेताजी ने देश के लिए, समाज के लिए अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर समर्पित भाव से अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रयासरत किया। एक ऐसी फौज बना ली, आज़ाद हिंद फौज, जो समानांतर अंग्रेजों से लड़ने के लिए काम कर रही थी और उसका परिणाम हुआ कि समेकित प्रयास से देश आज़ाद हुआ और हम एक आज़ाद मुल्क के नागरिक हैं। तो हमारा दायित्व है ऐसे लोगों का जयंती, ऐसे लोगों की पुण्यतिथि हमें मनाएं और लोगों को प्रेरणा दें, लोगों को बताएं, समझाएं कि हमें भी अपने हित से ऊपर समाज और देश हित के लिए प्रयासरत होना चाहिए।